डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, मैंने लास्ट क्लास में आपको इन्फॉर्म किया था। तो आज हम लोगों की क्लास जो है वो फैक्टर्स और मल्टीपल्स से रिलेटेड है और मैं आज आपको बताऊंगा कि फैक्टर्स मल्टीपल्स होते हैं। उसके लिए मैं जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको प्राइम फैक्टर और कंपोजिट प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में बताया हुआ था, एक बार फिर से समझ लेते हैं होते क्या हैं। आपका जो प्राइम और कंपोजिट नंबर है यानी कि ए नंबर डिविजिबल बाई वन और इटसेल्फ, यानी कि एक ऐसा नंबर जो वन से और खुद से, यानी कि जो भी नंबर आपका लिखा हुआ है उससे और जो आपको नंबर दे रहा है उससे खुद से डिवाइड हो, ऐसे नंबर्स आपके प्राइम नंबर होते हैं। यानी कि जिसके अगर फैक्टर्स हम करेंगे तो उसके फैक्टर सिर्फ टू ही निकलेंगे, यानी कि एक तो वन निकलेगा और एक वो नंबर खुद ही निकलेगा। जैसे मैंने 19 लिखा हुआ है तो 19 के अगर फैक्टर्स हम लोग देखेंगे तो एक तो 19 वन से डिवाइड होगा और एक 19 19 की टेबल से ही डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी नंबर से नहीं डिवाइड होगा। तो ऐसा नंबर होगा आपका प्राइम नंबर। अब हम लोग बताएंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर के लिए आप समझिए कि ए नंबर डिविजिबल बाई वन इटसेल्फ और अदर नंबर, एक ऐसा नंबर जो वन से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो और इसके अलावा भी उसके कोई ऐसे फैक्टर्स हों, यानी कि वन इटसेल्फ और उसके अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड हो। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं जो आपका 4 है, 6 है, आपका 9 है, ये ऐसे कई सारे नंबर्स हैं जो ज़्यादा फैक्टर्स रखते हैं। जैसे कि 4 को अगर हम लोग फैक्टर्स निकालें या 4 को डिवाइड करने के लिए सोचें तो इसे 1 से डिवाइड किया जा सकता है, इसे 2 से डिवाइड किया जा सकता है और इसे 4 की टेबल से भी डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि हमें 3 फैक्टर्स मिले, 2 मोर देन 2 मिले हैं। तो ऐसे नंबर्स आपके कंपोजिट नंबर होंगे और जिसमें आपको 1 और इटसेल्फ रहे तो वो नंबर आपका प्राइम नंबर होगा। देखते हैं, यहाँ मैंने प्राइम नंबर से रिलेटेड और कंपोजिट नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं जो कि सीधी सीधी आपके क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछ सकते हैं या डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये पॉइंट, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन, उसमें से आपको एक टिक करना होगा। तो ध्यान रखना है कि आपका कंपोजिट नंबर जो सबसे छोटा है वो 4 है। तो ऐसे आपको सारे पॉइंट्स एक एक करके देख लेने हैं, मैं बता रहा हूँ और आप उसको समझिए। एवरी प्राइम नंबर इज ऑड एक्सेप्ट 2, यानी कि आपके जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे ऑड होते हैं, केवल किसको छोड़ करके, 2 के अलावा, क्योंकि 2 आपका इवन नंबर है, बाकी सब नंबर ऑड होते हैं। द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, जैसा कि मैंने बताया कि 2 केवल इवन नंबर होता है, इसके अलावा आपके सभी नंबर्स कैसे होते हैं, प्राइम नंबर, ऑड होते हैं। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका होता है 2। अ प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, प्राइम नंबर जैसा कि मैंने यहाँ बताया केवल 2 ही फैक्टर रखता है, एक तो 1 होता है और एक वो नंबर खुद से होता है। इसके बाद 1 की बात की जाए तो 1 ना इधर प्राइम और नॉर कंपोजिट, 1 ना तो आपका प्राइम है और ना ही आपका कंपोजिट है, इसको काउंट नहीं किया जाता क्योंकि ये कंपोजिट में भी पार्टिसिपेट करता है और प्राइम नंबर्स में भी पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए 1 को ना तो प्राइम बोला जाएगा ना ही कंपोजिट। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मैंने आपको बता ही दिया है, 4 होता है। अ कंपोजिट नंबर हैज 3 और मोर फैक्टर, जैसा कि मैंने बताया है यहाँ पे 2 फैक्टर्स होते हैं और यहाँ पे कंपोजिट नंबर में 2 से मोर देन 2 होता है, तो यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा भी फैक्टर्स हो सकते हैं। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स विच आर प्राइम, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो 2 लगातार नंबर, ऐसे कौन से 2 लगातार कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जो आपके प्राइम है, यानी कि 2 और 3 ही केवल ऐसे, ओनली 2 और 3 ही ऐसे नंबर्स हैं जो आपके कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार आते हैं और वो प्राइम नंबर्स में भी काउंट किए जाते हैं। वैसे आप और अगर देखोगे तो वो कंसेक्यूटिव नहीं होते हैं, अल्टरनेट नंबर हो सकते हैं, जैसे एक छोड़ के, जैसे 17 के बाद 18 छोड़ के 19 होता है, इस तरीके से। तो ये हुआ आपका प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में। अब हम समय बात करते हैं फैक्टर के बारे में कि फैक्टर किसी चीज़ के क्या होते हैं। तो फैक्टर उन नंबर्स को बोलते हैं, किसी नंबर के फैक्टर सम उन नंबर्स को बोलते हैं जिससे उस नंबर को डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि डिविजर्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अगर लिख लें यहाँ पे कि आप जरा हमें 24 के फैक्टर्स करके बताइए, तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि इसके फैक्टर्स, ये 1 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, ये 4 से, ये 6 से, ये सॉरी 8 से, इसके बाद आपका ये होगा 12 से डिवाइड होगा और इसके बाद आपका ये सीधा 24 से डिवाइड होगा, यानी कि ऐसे सारे नंबर्स जिससे इस नंबर को डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि ये सारे नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिससे 24 को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो वो नंबर्स जिससे हम दिए हुए नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं यानी कि उनके डिविजर्स हो सकते हैं, वो नंबर आपका होता, वो नंबर्स आपके होते हैं फैक्टर्स। अब आपको ज़्यादा बड़े 5th क्लास तक के लेवल पे ज़्यादा बड़े नहीं आते हैं, मान के चलिए आपका 63 का पूछ दिया जाए आपसे, तो आप इसको क्या करोगे, 1, अब ये किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा, इसके बाद ये किससे होगा,
सेवन से होगा, इसके बाद ये नाइन से होगा, इसके बाद ये 21 से होगा, इसके बाद ये 63 से होगा। ये आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए कि आपके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपके फैक्टर्स मैंने बताए हैं, क्वेश्चन एक और तरीके से बनता है। एक तो डायरेक्टली ये पूछ दिया जाता है कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, नंबर्स दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसके फैक्टर्स बताइए, तो आप उस फैक्टर्स को तुरंत ही बता दोगे। इसके बाद अगर आपसे इसमें ये पूछ दिया जाए, ऐसे ही दो नंबर दे दें और आपसे ये पूछा जाए कि इसमें आप कॉमन फैक्टर बताइए कितने हैं दोनों में, तो आप क्या क्या लिखोगे कॉमन फैक्टर्स के बारे में, कि कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो आपके कौन कौन से हैं। एक तो आपका ये देखो 1 है, एक आपका 3 मिल रहा है दोनों में, इसके बाद आपका कोई मिल रहा है नहीं, तो आपका जो कॉमन फैक्टर आएगा 1 और 3 ही आएगा, तो दो फैक्टर आपको मिल गए, तो ये हो गए आपके फैक्टर्स। अब हम लोग समझते हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं, आपका फैक्टर का पॉइंट हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं मल्टीपल्स की तरफ। जैसे कि मैंने बताया, फैक्टर्स वो नंबर होता है जिससे दिए हुए नंबर्स को डिवाइड किया जा सकता है, वैसे ही मल्टीपल्स आपका बहुत सिंपल होता है। आप टेबल आती है आपको, बस वही आपके मल्टीपल्स होते हैं। जैसे मल्टीपल्स की बात की जाए, आपसे बोला जाए कि 2 के आप 2 मल्टीपल्स लिखिए, तो आपको लिखना है 2 1 2 और 2 2 4। यानी ऐसे मल्टीपल्स वो नंबर्स होते हैं जो आपका जिस नंबर के मल्टीपल्स पूछे जाएं उस नंबर से उनको डिवाइड किया जा सकता है। यानी 2 से आप 2 भी कर सकते हो डिवाइड, 2 से आप 4 भी कर सकते हो डिवाइड। तो ऐसे नंबर्स जो आपके दिए हुए नंबर्स से डिवाइड हो जाए वो होते हैं आपके मल्टीपल्स। और इसमें कुछ नहीं होता है, आपसे जितने मल्टीपल्स पूछे जाए वहीं आप बस उसका वंजा कर दो। कितने भी बड़ा नंबर का पूछा, आपसे 14 के पूछे गए हैं कि 3 मल्टीपल्स बताइए, तो आप तुरंत 14 टेबल लिखना शुरू कर दो, 14 1 14। यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना होता है, 14 1 14 2 14 3, और आप ऐसे ही करते रहोगे तो आपके ये मल्टीपल्स ही आते जाएंगे। जो भी हैं ये सब आपके मल्टीपल्स ही हैं, और ये आपका फैक्टर्स निकालने का तरीका है, और ये आपका है मल्टीपल्स निकालने का तरीका। फैक्टर्स में मैं एक क्वेश्चन और आपको याद दिला दूं कि कौन सा बनता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि 24 के कितने फैक्टर्स होते हैं। ये तो आपका हो गया कि फैक्टर कौन कौन से होते हैं। आपसे अगर ये पूछा जाए कितने फैक्टर्स होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 निकल के आए तो आपको बस सीधा आंसर में ये लिखना है कि 8 फैक्टर्स होते हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। फैक्टर और मल्टीपल्स की क्लास में इतना ही है। अब